ये मैं हूं, ये मैं है और यहाँ खेती हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पहाड़ी खेती का एक और स्टेप बताने जा रही हूँ। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि खेतों में फसल उगाने के लिए सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है, लेकिन उसके बाद जब फसल थोड़ी थोड़ी उग जाती है, जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, तो उसके बाद खेत में मे लगाई जाती है। कल बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई थी पूरे दिन, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आज खेत में आते हैं और उसके बाद मे लगाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बारिश और मे लगाने का क्या रिलेशन है और मे लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप पीछे देख ही सकते हैं पापा कैसे मे लगा रहे हैं यहाँ पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी और बताऊंगी इसके बारे में। आप में से जो लोग थोड़े पुराने ज़माने के होंगे और ख़ास करके उत्तराखंड के, उन लोगों ने तो देखा होगा कि मे कैसे लगाई जाती है। और आप लोग जानते होंगे कि पहले मे दो बैलों से लगाई जाती थी और उस ज़माने में मे बहुत बड़ी भी होती थी, लेकिन आजकल तो लोग खुद अपने हाथ से ही मे लगाते हैं, क्योंकि अब वैसे भी ज़्यादातर लोगों के पास तो अब हाथ से चलाने वाले ट्रैक्टर आ गए हैं, तो लोग उसी से मे लगाते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन अब जब लोग खुद से अपने हाथ से करते हैं तो उसका जो मे का साइज़ है वो अब थोड़ा छोटा हो गया। आप पीछे पापा को देख सकते हैं कैसे वो कर रहे हैं। मे लगाने का एक सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले शॉर्ट में दिखाया था ना, कि जो मैंने आपको दिखाया था शॉर्ट्स, उसमें आपने देखा था कि जब पापा मे लगा रहे थे तो उसके बाद कितना सब कुछ इकट्ठा हो गया था। और अभी आप देख सकते हैं पापा ने एक पूरा राउंड पूरा किया और उसके बाद वहाँ पर पूरा इकट्ठा हो रखा है। तो जो खरपतवार होते हैं ना, उनसे दिक्कत ये हो जाती है कि जो बीज होते हैं ना वो बाहर निकल नहीं पाते, तो इसीलिए फिर हम मे लगा के उसको निकालते हैं और फिर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं ताकि खेती बहुत अच्छी तरीके से हो सके। हम लोगों ने मे तो लगा लिया है, फिर आप ये क्या कर रहे हो? जहाँ मेरे लिए खड़ी ने, हाँ उल्ला मैं कुटाल खान मर हूँ, वो हमको परजाल बोल तो पैसे मल का सरकोल मने है गोड़ नहीं सरा लोल मेरा घिल के घिन ने। अच्छा, जो गोड़ ने लो तो अब फसल हुई बे खाली खेत बेचे के हुई गड़ान पाट को फोड़े हो। हाँ। मैं लगाया गोड़ो ने लो तब से फसल हुई हल्की हल्की बोट मल के घिन जान भ्या ने बढ़ने भ्या। अच्छा, घास रोल बीतता तो नून लियो फसल नून बे घास घास में गोड़े में नहीं लियो तो नून लियो। अब हल्को पड़ जाल खड़ी घिस नहीं हो सरोल मल के बड़ोल। अच्छा अच्छा, बोट मल के घिन बड़ा लग जलत मैल खड़ी खड़ी जलत में खड़ी नहीं मैल खड़ी आई कुटाल इस बे बात ही था। अब आमा ने जो पहाड़ी में बताया उसको मैं थोड़े आसान शब्दों में बता के आपको समझाती हूँ। अब चलिए मैं आपको उस खेत में लेकर चलती हूँ जहाँ अभी तक मे नहीं लगी है। आइए ये देखिए, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वो खेत है जहाँ पर मे नहीं लगी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर की मिट्टी ये देखिए कितनी सख्त हो रखी है, ये देखिए यहाँ पर कितनी सख्त हो रखी है। अब अगर यहाँ पे मे नहीं लगा है तो फिर जो बीज है ना वो मिट्टी फोड़ के बाहर नहीं आ पाएगा। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने खेत में, ये देखिए बगल में ही है हमारा खेत। और यहाँ देखिए आमा ने ऊपर ये लगा, ये देखिए मिट्टी कितनी अच्छी हो रखी है, ये आराम से तोड़कर बीज बाहर आ सकता है। पूरे खेत में देखिए आमा ने कितने अच्छे से कर रखा है। तो अब जो बीज है उनको बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी और फसल ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। गाड़ियों की जो पावर होती है उसको हॉर्स पावर से नापा जाता है। और यहाँ मेरे भाई को देखिए, ये खेत में मे लगा रहा है और इसकी पावर अभी नापी जा रही है बुल पावर से। और दो बुल की पावर इस एक अकेले मेरे भाई में है। जरा देखिए यहाँ पर कैसे चाइल्ड लेबर चल रहा है, लेकिन जो भी हो ये कर बहुत अच्छे चल रहा है। देखिए देखिए
देखिए अब मेरी दीदी लगा रही है, आप ही अब कंपेयर करना कि कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है। दीदी से तो इतना भी नहीं खींचा जा रहा, मैं तो फटाफट कर रहा था। क्या हो गया दीदी? देखो कितना निकाल रखा मैंने, ये फिर बोलेगा। शाबाश, काम करना सीखो थोड़ा। जिंदगी में कब कैसा मौका आ जाए, बस लौट जाओ। कोई भी चीज सीखा हुआ बर्बाद। निकाल इसको कहाँ? इधर ही फेंक दे। जिंदगी में पहाड़ में खेती का एक ड्रॉबैक यानी एक कमी तो ये है कि यहाँ पर लोगों के खेत जो होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, तो अभी हम लोगों ने मेड़ लगाई थी फगाली में, और अब हम लोग अपने दूसरे खेत जा रहे हैं उर्ग में। यानी यहाँ से हम जा रहे हैं उस तरफ उर्ग, और बीच में कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 1 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, फिर हम उस खेत में जाएंगे, फिर वहाँ दोबारा मेड़ लगाना होगा। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर होते हैं लोगों के खेत। जब हम लोग फगाली से उर्ग की तरफ जा रहे थे, तब हमें बीच में एक खेत मिला जिसे देखकर भी ऐसा ही लग रहा था जैसे यहाँ पर आज ही मेह लगी हो। ये देखिए मिट्टी बिल्कुल ये सॉफ्ट हो रखी है यहाँ पर भी, ये देखिए। और इसी के बगल में अब मैं आपको दूसरा खेत दिखाती हूँ, ये देखिए। अब डिफरेंस साफ पता चल रहा है, एक आप इस तरफ खेत देखिए और यहाँ पर देखिए कितना टाइट टाइट हो रखा है, और जस्ट इसके बगल में खेत, आराम से आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा और मेल लगाने के फायदे भी पता चल रहे होंगे। ये आपको जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उन सब में पहले खेती होती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों ने उत्तराखंड छोड़ के जाना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद जब से सरकार लोगों को मुफ्त में अनाज देने लगी, तब से लोगों को लगने लगा कि अब तो खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर ये सारे तब से ऐसी बंजर खेत पड़े हुए हैं, और यहाँ पर खाली जंगली घास ही उग रही है। यहाँ देख सकते हैं, जैसे कुछ कुछ खेत तो हैं जिनमें अभी होती है, जैसे ये नीचे वाला है, यहाँ पे तो अभी खेती हो ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे बंजर छोड़ रखे हैं। लेकिन हाँ, वो भी उनमें ऐसे घास उगी हुई है, तो सुंदर वो भी लग रहे हैं। चार खेत तो निपटा दिए, और अब 2 खेत और बच रहे हैं, तो अब चलिए उन 2 खेत को भी जल्दी से निपटा लेते हैं। बड़ी गर्मी हो रही है, ज़रा ये देखिए, लेकिन हाँ मज़ा ज़रूर आ रहा है। और ज़रा ये देखिए, अब हम लोग इस पुल से होते हुए जा रहे हैं, और जब भाई ने इस पुल को देखा तो उसने सीधे ये बोला कि ये देखो घाट का मिनिएचर पुल जैसा लग रहा है। और आप सच्ची में देखिए, जैसा घाट का ब्रिज है ये बिल्कुल वैसा ही है, बस उसका एक छोटा फॉर्म है। और पहले यहाँ पर ना सीमेंट का ब्रिज था, लेकिन फिर उस ब्रिज को तोड़ के ऐसा बना दिया गया, और यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और जब मैंने इस उसमें देखा ना, बोर्ड में लिखा हुआ था ICICI बैंक, तो सोचिए अब ऐसी ऐसी जगह भी पहुँच चुका है ICICI बैंक। अब मैं आपको थोड़ा टिल्ट करके, रुके जाइए, दिखाती हूँ। हाँ एक मिनट, ये देखिए ICICI फाउंडेशन का बनाया हुआ ये ब्रिज। वो आम आ रही है पीछे से, पापा वो आगे निकल चुके हैं, ये देखिए। तो फाइनली अब ये छठा यानी आखिरी खेत है। शुरुआत में जब हम लोग रहते थे, तब तो बड़ा जोश था, बड़ा मज़ा आ रहा था, मस्त मस्त तरीके से कर रहे थे, बहुत ही जोश में। लेकिन अब जब आखिरी खेत में जाके पहुँचे, तो अब पता चला कि वास्तव में ये काम ऐसा है जो बैल ही कर सकती है। मतलब अगर आदमी करना भी चाहे, अब वो कर भी लेगा, लेकिन जो थकाई लगेगी उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो थक तो बहुत गए हैं, मैंने तो खैर कुछ खास किया नहीं, बट हाँ इन लोगों को देख के पता ज़रूर चल रहा है कि कितना ज़्यादा ताकत लगी होगी। प्लेन्स में तो वैसे भी ज़्यादातर काम ट्रैक्टर और सब कुछ मशीनों से ही होता है, तो वहाँ पर तो ज़्यादा नहीं करते लोग ऐसे हाथ से काम, लेकिन पहाड़ों में तो अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही होता है ज़्यादातर। तो आप लोग बताइए कि जो उत्तराखंडी मेरी वीडियो देख रहा है, आप लोगों ने भी क्या ऐसा कुछ कभी कर रखा है? और अगर कोई प्लेन्स वाला भी देख रहा हो, और आप लोग खेती बाड़ी करते हो या नहीं भी करते हो, तो आपने प्लेन्स में किसी को ऐसे मैनुअल वर्क करते हुए देखा है, कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।